नमस्कार, आप देख रहे हैं TV29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। दिल्ली में लोगों को लूटने का नया तरीका स्टार्ट हो चुका है। दिल्ली में एक खुजली गैंग का आतंक है। इस समय खुजली गैंग के पास एक खास तरह की स्प्रे होती है जो लोगों को लूटने के लिए बहुत कारगर है। आप देखेंगे ये जो दो वीडियो हैं, उन वीडियो में और कोई व्यक्ति खासकर ये वहाँ सक्रिय होते हैं जहाँ पर भीड़भाड़ जैसी मार्केट या भीड़भाड़ जैसा इलाका होता है, जैसे चांदनी चौक हो गया, दरियागंज हो गया, सदर बाजार हो गया। उन जगहों पर निकलने की जगह बहुत कम होती है और लोग आसानी से वहाँ अपनी वारदात को ये अंजाम दे पाते हैं, क्योंकि लोग अपना सामान ले जा रहे होते हैं, पीछे से कॉलर पे या आपके कंधे शोल्डर पे कहीं भी आपके यहाँ स्प्रे कर देते हैं। ये आपको बता दें कि ये गैंग में एक नहीं होते हैं, 3 से 4 लोग गैंग में होते हैं और ख़ास करके ये भीड़ भाड़ वाले इलाके में काम करते हैं। अपनी स्प्रे को आपके ऊपर छिड़क कर आप खुजलाने में बिजी हो जाएंगे, आपको खुजली महसूस होगी, आप धीरे धीरे अपने कपड़े उतार देंगे और आपका हाथ में जो सामान होगा वो आप नीचे रख देंगे। मजबूरी आपको सामान नीचे रखना। उसी बीच में उस खुजली का फ़ायदा उठाकर, आपकी व्यस्तता का फ़ायदा उठाकर वो जो स्नेचर हैं या लुटेरे हैं वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और आपका सामान लेके रफू चक्कर होते हैं। ऐसे ही एक दूसरा आप वीडियो देखेंगे जिसमें एक दुकान मालिक दुकान के अंदर आता है, अपना बैग लेके एंट्री करता है और पीछे से उसे स्प्रे कर दिया जाता है। उसे पता नहीं लगता है और वो खुजलाने में बिजी हो जाता है। लास्ट में अपने कपड़े उतारता है, दुकान में कोशिश करता है कि ये क्या हो गया, कहीं कुछ है तो नहीं कपड़ों में, इसको लेके वो खुजलाने में व्यस्त रहता है। इतने में 3-4 लोग दुकान के अंदर एंट्री करते हैं। दुकान के अंदर एक महिला भी मौजूद होती है, दुकानदार, लेकिन उसके साथ 2-3 लोगों की बजाय वो सामान देखने में बिजी कर देते हैं, व्यस्त कर देते हैं उनको, और उसका सामान दुकानदार का बैग लेके वहाँ से लुटेरे फरार हो जाते हैं। तो आप जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएँ वहाँ सावधान रहें। इस खुजली गैंग से के आतंक से बचने के लिए आपको सतर्क और चौकन्ना रहने की बहुत ज़रूरत है। भीड़भाड़ वाले इलाके में ख़ास तौर से ये लोग पाए जाते हैं और वहाँ पर ये इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। देखने वाली याद, ये कब दिल्ली पुलिस